टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत राजस्थान में लहसुन प्याज खरीद को लेकर राज्य सरकार अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही, जिस कारण किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। किसान अपने मेहनत की कमाई को 5 रुपए किलो बेचने पर मजबूर हैं। लहसुन और प्याज ने किसानों के आंसू निकाल दिए हैं। उनकी पीड़ा को समझने वाला कोई नहीं है। राज्य सरकार को किसान हस्तक्षेप योजना के तहत लगभग 1.07 मैट्रिक टन लहसुन की खरीद करनी है, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर कोई पहल नहीं की है। राजस्थान में इस बार लहसुन और प्याज की बंपर पैदावार हुई है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रदेश के कृषि मंत्री लाल चंद कटारिया से बात की। स्पीकर ओम बिरला ने लाल चंद कटारिया से कहा कि केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलने के बावजूद राजस्थान सरकार द्वारा लहसुन की खरीद नहीं करने से किसान परेशान हो रहे हैं। लाल चंद कटारिया ने आश्वस्त किया कि सरकार जल्द ही लहसुन खरीद प्रारंभ करेगी। दरअसल राजस्थान में इस बार बंपर पैदावार के चलते लहसुन के दामों में भारी गिरावट दिखाई दी। इसमें किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उनकी लागत भी नहीं मिल पा रही थी। इसको देखते हुए किसान संगठनों और ग्रामीण प्रतिनिधि मंडलों ने सरकार को अवगत कराया। राज्य सरकार के स्तर से प्रस्ताव केंद्र को पहुँचने के बाद 3 जून को केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने राज्य के कृषि विभाग को पत्र भेज बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत लहसुन प्याज खरीदने को कहा है। इस आदेश को जारी हुए 2 हफ्ते बीतने के बाद भी प्रदेश में लहसुन खरीद नहीं हो रही है। हालांकि सरकार जल्द ही लहसुन खरीद की बात कर रही है। वहीं केंद्र के कृषि मंत्रालय से राजस्थान के कृषि विभाग को भेजे पत्र के अनुसार प्रदेश में बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत 1,07,836 मैट्रिक टन लहसुन तथा 2,56,400 मैट्रिक टन प्याज की खरीद होनी है। लहसुन की खरीद 29,570 रुपए प्रति मैट्रिक टन जबकि प्याज 7,780 रुपए प्रति मैट्रिक टन के भाव से होगी। मंडी में किसान का माल तुलने के बाद करीब 5% टैक्स और आड़त का खर्चा होता है। इसमें 1.6% मंडी टैक्स, 2.25% आड़त और 1% खरीद पर आड़त शामिल है। इसके बाद लेबर का खर्चा अलग होता है। यह करीब प्रति बैग 10 रुपए के आसपास है। मंडी सचिव का कहना है कि खर्चे के अनुसार लहसुन के दामों को जोड़ा जाए तो सामने आता है कि 25 रुपए किलो का लहसुन मंडी से खरीदा जाए तो 50 किलो का बैग करीब 1,250 का होगा। इसमें मंडी आड़त लेबर से लेकर सब कुछ खर्चा करीब 70 रुपए होगा। ऐसे में यह लहसुन 1,320 रुपए का व्यापारी को पड़ेगा। इसके बाद उसे मंडी से बाहर ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का करीब 15 रुपए का खर्चा होगा। ऐसे में यह लहसुन करीब 27 रुपए किलो के आसपास व्यापारी को पड़ता है, जिसका बाजार में भाव 40 से 50 रुपए किलो है, जबकि किसान 5 से 10 रुपए किलो मंडी में लहसुन बेच रहा है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।